नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे पित्ते में आई हुई सूजन की। बहुत फ्रीक्वेंटली आपने देखा होगा कि किसी पेशेंट को गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हैं और डॉक्टर बोल रहे हैं कि अभी इसमें सूजन है, अभी ऑपरेशन नहीं हो सकता। तो इस स्वेलिंग का क्या मतलब है? बेसिकली जब पित्ते के अंदर जो स्टोन है वो फंस जाता है तो उसके बाद धीरे धीरे गॉल ब्लैडर में स्वेलिंग आने लगती है। अगर आपने देखा हो कि किसी को अगर चोट लग जाए तो पहले वो कुछ दिन वो एरिया हार्ड रहता है, फिर धीरे धीरे हील होकर वो दोबारा सॉफ्ट हो जाता है। इसी तरह अगर पित्ते के अंदर स्टोन फंसा हुआ है और इसके लगभग 6 घंटे से ज़्यादा टाइम हो गया है तो पित्ते की वॉल की जो थिकनेस है वो बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें स्वेलिंग आ जाती है। ये स्वेलिंग फिर धीरे धीरे उतरने लगती है अगर वो स्टोन निकल जाए या जो गॉल ब्लैडर के अंदर इन्फेक्शन है वो कंट्रोल में आ जाए। माना जाता है कि अगर ये स्वेलिंग अभी जस्ट 3 दिन पुरानी है या मैक्सिमम 5 दिन पुरानी है तो ईजिली और कंफर्टेबली एक्सपर्ट सर्जन इसकी सर्जरी कर सकते हैं। लेकिन अगर इसको टाइम ज़्यादा हो गया है, स्पेशली अगर 10 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, तब वेट करने में ही फ़ायदा है। हम 1 से 1.5 महीने तक वेट कर सकते हैं ताकि ये जो स्वेलिंग है वो कम हो जाए और ये ऑपरेशन दोबारा से सेफ हो जाए। स्वेलिंग आने की वजह से ये जो वॉल है गॉल ब्लैडर की बहुत सॉफ्ट हो जाती है और इसे डिसेक्ट करना या बाकी ऑर्गन से छुड़ाना मुश्किल होने लगता है। धीरे धीरे बाकी ऑर्गन्स भी इसके साथ चिपक सकते हैं अगर इन्फेक्शन या स्वेलिंग सेवेयर है, यानी कि जो आसपास की छोटी आंत या बड़ी आंत है या स्टमक है या ओमेंटम है वो इसके साथ चिपक जाता है और इसीलिए ये ऑपरेशन मुश्किल होता जाता है। लेकिन अगर इसमें टाइम डाल दिया जाएगा तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे छूटने लगती हैं, बॉडी अपने आप को हील करने लगती है और 1.5 से 2 महीने के बाद ये जितना हीलिंग का प्रोसेस है वो लगभग कंप्लीट हो जाता है और फिर ये ऑपरेशन किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि ये पहले जैसा 100% हो जाएगा, लेकिन फिर भी जो इस वेटिंग पीरियड का एडवांटेज है वो हमें उठाना चाहिए और डिले कर ये सर्जरी करवानी चाहिए। लेकिन कुछ पेशेंट्स में ये पॉसिबल नहीं होता, उनका जो गॉल ब्लैडर में फंसा हुआ स्टोन है वो निकलता नहीं है, वो वहीं फंसा रहता है या उसमें कॉम्प्लिकेशन होने लगती है, जैसे कि उसमें इन्फेक्शन हो गया है, उसमें पस भर गया है, और उस कंडीशन में डॉक्टर्स आपको एडवाइस कर सकते हैं कि आप वेट ना करके ये ऑपरेशन टाइमली करवा लीजिए ताकि ये जो इन्फेक्शन है वो बाकी शरीर में फैलने न लगे। ऐसे कंडीशन में भी एक्सपर्ट सर्जन्स दूरबीन से ही ये ऑपरेशन कर सकते हैं और आपको इस प्रॉब्लम से छुटकारा दिला सकते हैं। ये ऑपरेशन नॉर्मल ऑपरेशन से थोड़ा डिफिकल्ट होगा, हो सकता है इसमें टाइम ज़्यादा लगे, इसका करने का मेथड थोड़ा सा डिफरेंट हो, लेकिन ज़्यादातर कंडीशंस में ये सक्सेसफुल हो सकता है। बहुत रेयर कंडीशंस में डॉक्टर्स अगर गॉल ब्लैडर के अंदर पस है तो सिर्फ वो पस को रिमूव करके या एक उसके अंदर ड्रेन डाल के छोड़ देते हैं ताकि जो इन्फेक्शन है या जो सूजन है वो धीरे धीरे कम हो जाए और मेजर जो ऑपरेशन का पार्ट है वो बाद में कर लिया जाए। पेशेंट्स हमसे पूछते हैं कि क्या कोई दवाई देकर इस सूजन को जल्दी से उतार लिया जा सकता है? तो ऐसा नहीं है, ये एक नेचुरल हीलिंग प्रोसेस है। इसमें जो टाइम लगना है वो लगना है, किसी भी दवाई से हम इसे बहुत फास्ट करके कुछ ही दिनों में ख़त्म नहीं कर सकते और ये आपको जो ट्रीटिंग डॉक्टर्स हैं वही आपको बेस्ट सजेस्ट कर सकते हैं कि क्या आपको ऑपरेशन अभी करवा लेना चाहिए या कुछ वेट कर बाद में करवाना चाहिए। जब आप वेट कर रहे हैं इस 1-1.5 महीने के निकलने की, तो उस दौरान आप कुछ चीज़ें कर सकते हैं कि अटैक दोबारा ना हो। खाना जो है वो पेट भर कर नहीं खाइए, अपनी भूख से थोड़ा कम खाइए, चाहे बार बार थोड़ा थोड़ा करके खाइए। बहुत फैटी मील्स ना लीजिए, खाने में जो फैट का कंटेंट है उसको कम रखिए। इसके अलावा डॉक्टर्स आपको कुछ दवाई दे सकते हैं जिससे कि दोबारा गॉल ब्लैडर का अटैक होने का इंसिडेंस कम रहे। इसके बावजूद भी अगर दोबारा अटैक होता है और आपके डॉक्टर्स ये सजेस्ट करते हैं कि नहीं, अब हमें वेट नहीं करना, हमें ऑपरेशन करवा लेना चाहिए, तो कुछ कंडीशंस में ऐसी नौबत आती है कि बीच में भी ऑपरेशन करना पड़ सकता है। सो वी होप कि ये वीडियो देखकर आपको गॉल ब्लैडर स्वेलिंग के बारे में कुछ आइडिया लगा होगा और आप अपना डिसीजन बेटर वे से ले पाएंगे।